वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के 10th चैप्टर लाइट में इमेज फॉर्मेशन के बारे में एक सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूं। लेंस से इमेज फॉर्मेशन को इजीली याद करने के लिए मेरा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ ट्रिक है, ये किसी बुक से नहीं बता रहा हूं। इसमें हमने मिरर के बारे में पिछले वीडियो में बता रखा है कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे याद करेंगे। लेंस में भी वही ट्रिक लगेगा, सिर्फ अप्लाई करना मैं बताऊंगा। और वो ट्रिक ये है कि इसमें फोकस को इन्फिनिटी में बदलना है, इन्फिनिटी को फोकस के, बहुत सिंपल सा बात बताया, इसी में सारा का सारा कुछ हो जाएगा। करना क्या है, फोकस को इन्फिनिटी में और इन्फिनिटी को फोकस में कन्वर्ट करना है, बस यही हमारा ट्रिक है। और उसमें भी फोकस अगर इमेज में आया तो स्मॉलर होगा और इन्फिनिटी अगर इमेज में आया तो लार्जर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ऐसे भी इन्फिनिटी बड़ा होता है ना, तो इन्फिनिटी आ जाए तो लार्ज कर दो और फोकस आ जाए तो छोट कर देंगे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद करने की बात है। इसमें हमने कन्वेक्स लेंस पहले बनाया है। कन्वेक्स लेंस में ये फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है क्योंकि इधर से पैरेलल लाइन जाएगा तो इसी में जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सारे इमेज के लिए होते हैं, जो भी इधर प्रिंसिपल फोकस होता है वो इमेज के लिए होता है, ये याद रखिएगा। ये बुक इस बात में नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब भी हम फोकस की बात करेंगे इमेज के लिए तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला फोकस, और जब हम ऑब्जेक्ट के फोकस की बात करते हैं तो ये वाला आता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है, ये इमेज के लिए है। वैसे ही कनकेव लेंस में आएंगे तो इधर वाला ऑब्जेक्ट की बात हो जाती है, और ये फोकस चूंकि ये मेन है, जब पैरेलल जाता है तो ऐसे वाला हो जाता है ना, ये डाइवर्जिंग है, पैरेलल रे जाता है तो ऐसे भागता है, यानी कि इस फोकस से होके, तो इस फोकस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा इमेज के लिए है, ये भी इमेज के लिए है, वो सब ऑब्जेक्ट के लिए है इसमें। तो यहां पे अब बात करते हैं हम लोग इसके पोजीशन, पहले हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखेंगे और सिर्फ फोकस को इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को फोकस में बदल के सब कुछ बता देंगे आपको। देखिए, जैसे पहला हमने ऑब्जेक्ट लिया है, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ले रहा हूं, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसका इमेज कहां बनेगा, इस फोकस पे, हमने पहले ही बताया इन्फिनिटी को बदल देना है फोकस में, तो यहां पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा बनेगा, ये हमारा फर्स्ट इमेज था। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि इसमें फोकस आया है, इन्फिनिटी को फोकस में बदल दिया। अब अगर बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी का मतलब क्या, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में अगर यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो, जैसे यहां क्या है, इन्फिनिटी और सी, तो इन्फिनिटी और सी कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, सी और एफ हो जाएगा। सी, ये सी एफ नहीं, ये सी एफ, क्योंकि इमेज के लिए यहां पे है। तो हमारा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगा। थोड़ा सा तो बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एफ है इसमें, सी के साथ साथ एफ भी है, तो छोटा ही होगा थोड़ा सा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो होगा वो छोटा होगा, ये दो था, ये दो छोटा होगा। अब अगला इमेज मैं ले रहा हूं कि अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट है, सी पे ही ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज सी पर ही बनेगा, तो सी पर बनेगा तो, और सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये बनेगा, ये थर्ड था हमारा, ये थर्ड का इमेज बना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि सी से सी बदल गया, एफ और इंफिनिटी तो है नहीं। अब यहां पे फिर आ रहा हूं, यहां पे फोर्थ जो है, फोर्थ ऑब्जेक्ट मैंने लिया है सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ का मतलब क्या हुआ, सी और इंफिनिटी चला जाएगा इमेज में, सी और इंफिनिटी के बीच में इमेज बनेगा, यानी कि इमेज यहां आएगा और इमेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां इंफिनिटी आ गया ना, तो साइज बड़ा हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट मैं एफ पे ले लूं, एफ पे ही ऑब्जेक्ट ले लूं, तो इसका, अगर छोटा सा भी ऑब्जेक्ट एफ पे ले रहा हूं तो इसका इमेज एफ से इंफिनिटी, यही चेंज करना है, और वो भी बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारा फोर्थ था, ये फिफ्थ हो गया। तो इस तरह से सिर्फ
इन्फिनिटी को एफ और एफ को इन्फिनिटी में मैं चेंज कर रहा हूं। अगला नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा फिफ्थ था, ये सिक्स्थ। सिक्स्थ अगर हमारा ओ ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में है तो इस पे क्या हो जाएगा, जब ये ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में है तो इधर तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी है नहीं, तो इधर आना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, क्योंकि यहां एफ और सी बीच में आ जाता है और इधर तो ये एफ और सी ऑब्जेक्ट के लिए है, ये इमेज के लिए नहीं है, तो यानी कि इस दोनों के बीच में होगा। तो यहां जैसे एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने लिया है ये सिक्स्थ, तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में कहीं पे ये हमारा सिक्स्थ इमेज बन जाएगा, और चूंकि उसमें एफ और ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी है, तो ये ज्यादा चांस रखिए बड़ा होगा, इसका साइज थोड़ा सा जैसे जैसे एफ की ओर आएंगे वैसे वैसे ये बड़ा होगा, ये हमारा सिक्स्थ है, ये इधर आ जाता है। बस इतना सारा है आपको कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर में बहुत कम है। क्यों कम है आप यहां पे देख सकते हैं, ये कनकेव मिरर में इमेज के लिए जो आता है सो इधर है और ऑब्जेक्ट वाला तो उधर है, और ऑब्जेक्ट को रखना इधर है, ऑब्जेक्ट वाला फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है और रखना हमको इधर है, तो ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन बचा क्या, एक ऑप्टिकल सेंटर और एक इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये सी और एफ इमेज के लिए है ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, तो ये कहीं भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये इमेज बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में, ठीक है, और ये सीधा का सीधा होगा, छोटा और सीधा होगा, स्मॉल हो गया इसलिए कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बन गया, हमेशा छोटा होगा। अगर इसको फोकस पे भी, ये हमारा पहला इमेज था, अगर हम फोकस पे भी इन्फिनिटी पे भी ले ले तो इसका इमेज, ये हमारा सेकेंड है, तो सेकेंड का इमेज फोकस पे आ जाएगा और बहुत छोटा होगा, ये फर्स्ट था ये सेकेंड हो गया, तो बस इसमें दो ही काफी है। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या, इन्फिनिटी वाला फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं है तो फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे हो जाएगा, इसमें भी उतना ही चेंजिंग हुआ, और जिसमें फोकस आया है तो छोटा हो गया, इसमें सब में फोकस आता है इसलिए सारे के सारे इमेज जो होंगे वो छोटे होंगे। ओके, तो बस इतना सा था इमेज में, सिर्फ इन्फिनिटी और फोकस को एक दूसरे में कन्वर्ट करके, जिसमें फोकस आया वो छोटा, जिसमें इन्फिनिटी आया वो बड़ा करके इजिली हम कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, याद करने की बात नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।